सबसे तेज न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की दिल्ली मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार जनपद में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए क्राइम ब्रांच और सैफई पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम को एक मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी में कुछ शराब तस्कर और शराब को कुशीनगर बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में दी गई सूचना सही निकली और बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक कार और एक कंटेनर को पकड़ा जिसमें शराब भरी हुई थी। इस शराब को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी में 650 पेटी शराब पकड़ी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। पकड़े गए सभी आरोपी हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों की कार्रवाई करते हुए चालान कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए SSP संतोष कुमार मिश्रा ने 15,000 रुपए नगद से पुरस्कृत किया। आप देख रहे हैं इटावा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। इसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक पूरा गिरोह, अंतरराज्यीय गिरोह जो कि शराब की तस्करी किया करता था, उस गिरोह को हमने पकड़ा है। इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से करीब 60 लाख कीमत की, जिसमें कि 25 लाख कीमत की सिर्फ अवैध शराब है और 35 लाख कीमत के वाहन है, एक कैंटर है ट्रक और एक साथी इको गाड़ी, वो भी इसमें पकड़ी गई है। और ये लोग शराब का अवैध परिवहन किया करते थे, जो हरियाणा की जो शराब है उसको जो है ये लोग लेके ये बेचने जाते थे कुशीनगर में। कुशीनगर में अवैध तरीके से बेचने के लिए लेके जा रहे थे। इसी पे सूचना मिली थी, घेराबंदी की गई, इनको पकड़ा गया। इनके पास से 650 पेटी शराब की, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख है, वो बरामद की गई है। साथ ही साथ एक कैंटर हरियाणा नंबर की 30 लाख की अनुमानित कीमत, वो पकड़ी गई है। और एक इको मारुति वैन जो है अनुमानित कीमत 5 लाख, वो भी इनको पकड़ा गया है। और जो ये सेल फॉर हिमाचल प्रदेश जो शराब थी, इसको अवैध तरीके से ले जाके इनसे पूछताछ में इन्होंने कुशीनगर बताया जहां ये लेके जा रहे थे, और इन पे जो है कार्रवाई करके इनको पकड़ा गया है। और आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि जनपद इटावा में ऐसे शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहेगा, और अगर हमारी ये सीमा का प्रयोग करते हैं ऐसे परिवहन के लिए, तो इनको धर दबोच के इन पे कड़ी कार्रवाई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।